कि मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि पहले हम शहर की साफ सफाई देखें, जिसमें मेरी कमेटी का ही नहीं, तमाम सोपोर के जो हमारे लोग हैं उनका हिस्सा बनता है कि वो भी आगे आए और वो भी अपनी शहर की हालत सुधारे। म्यूनसिपैलिटीज़ का काम है कूड़ा उठाना, कूड़ा लेना, पर लोगों पे भी एक जिम्मेदारी होती है और मैं आपके माध्यम से उन्हें हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना आपसे बन पाए इस लिटरिंग को बंद कर लीजिए, और जब हम तैयार कर लेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। गार्बेज डंपिंग साइट का इशू हर हमेशा सोपोर पे रहा है। देखिए, जो हमारी दिक्कतें हैं वो आपको मालूम है और हम लोग खामोश नहीं बैठे हैं। वी आर ऑन इट कि हमारा जो है डंपिंग साइट प्रॉपरली हो, जहां हम उठा के ले जाएं, और अनकरीब ही आप देखेंगे कि ये मसला हमारा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। मैम, नो डाउट कि म्यूनसिपैलिटी ने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है सोपोर में, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई ऑफिशियल विजिट होती है तब भी ये फाउंटेन्स वगैरह काम करते हैं, तो उसके बगैर ये काम नहीं करते। देखिए, अभी ये चालू ही नहीं हुए हैं, हम तो वही देखने आए थे कि हमारा जो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हम इन्हें लोगों के लिए खोल सकते हैं, हम ये अवाम के हवाले कर सकते हैं ताकि वो आके अपने शहर में हमारे बच्चे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक फाउंटेन है, वहाँ थोड़ी सी स्पेस भी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ आके बैठे सुबह शाम और इंजॉय करें। लेबोरेटरीज का इशू यहाँ पे हर हमेशा रहा है, लेबोरेटरी ब्लॉक्स भी आपके तैयार, लेकिन वो तो फंक्शन है ही नहीं। देखिए, जब लेबोरेटरी ब्लॉक बनता है फिर पानी का कनेक्शन होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, और मुझे लगता है विद इन 2-3 डेज ये सारे इश्यूज इसके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हम ये अवाम के हवाले। इलीगल एनक्रोचमेंट का क्या कहना है आपका? मतलब बस स्टैंड हमारा है, वहाँ पे तो एनक्रोचमेंट शॉपकीपर्स ने किया है, उस पर हमारी म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक मुद्दे पे इंशाल्लाह हम आ जाएंगे और हर एक मसला हल करेंगे। मैम, गार्बेज के हवाले से यहाँ पे आपने बात छेड़ी है, कब तक जो सोपोर के मसले जो है लगातार कहीं साथ? मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ दिन हमें लगेंगे। देखिए, फिर दफ्तरी तवाज़ुन।